मेरा नाम अमित सागर है। हमारे सब्सक्राइबर जैक्स करू ने कहा था कि आप नेक्स्ट वीडियो दो जन बनी पे लेके आना। मैं उनके कहने पे आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आप दो जन बर्निंग पुशअप सीसी वर्जन में 2019 में कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आपको पहले 8 प्रेस करना है और फिर हम लोगों को जाना है इधर लेयर पे। आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने ऐसे यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद ग्रे चूज करना है, नॉर्मल के बाद ओवरले, और यहीं पे मार्क करना है ओके। और इसके बाद हम लोग डॉज टूल पे जाना है और आराम आराम से इसको ऐसे करना है। हो गया हाईलाइट। और इसके बाद यहाँ जहाँ पे हाईलाइट शो हो रही है हम लोगों को, वहीं पे आराम से डॉज ब्रश को ड्रॉ करना है। ये देखो, इधर पे भी इससे अच्छा मॉडल की लुक अच्छी लगने लगती है। और 3D इमेज लगती है। मैं देख लो, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगने लगी है इमेज। आप जूम करके भी कर सकते हैं ऐसे, अगर आप जूम करना हो आपने। आराम आराम से यहाँ पे हाइलाइट्स है और इन्हें पे करिएगा तो इसमें इमेज ही ऐसी है यार हमारे। चलो कोई नहीं, हल्की से आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी पीजिएगा। आराम से ये हो गया। और अब नीचे को करते हैं हम लोग। कितना अच्छा लगने लगा अभी। पहले ये हमारा डोज है, बाद में बताऊंगा इसके बाद जब ये हो जाएगा कि बर्निंग कैसे करनी है। आराम से कीजिएगा, इतनी जल्दी, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी करते हैं तो काम बिगड़ ही जाता है हमेशा। आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, बट तीसरी बार तो सही होगा ना। बस आराम से करते जाइएगा। हम लोगों ने करके इस पे थोड़ा सा इधर को, आप चाहे तो आपको लगे कि यहाँ पे हेयर स्प्रे भी करना है, हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे मैं कर रहा हूँ। इसी शाइनी हेयर्स लगेंगे। लुक देखो कितनी अच्छी लगने लगी आपके सामने रिजल्ट। अभी थोड़ा सा इधर को रह गया ना, कुछ शाइनी कर दो थोड़ी सी, अभी ठीक है। अभी हमारा रह गया ओनली बर्न। अभी हम लोग बर्न पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी 20 रखिएगा। अगर उसकी भी 20, इसकी भी 20 रखनी पड़ेगी। सेंटर एंड
ऐसे ही यहाँ यहाँ पे हल्का हल्का सा धो करना है इसके साथ। यहाँ यहाँ पे हमारे पास ब्लैकिश है, हल्का हल्का सा। यहाँ पे भी हमारे सामने हल्का सा, इसपे तो रंग देते हैं इधर। सही है, देखिए बालों पे भी कर सकते हैं, ध्यान से कीजिएगा। हल्का सा कलर तो वैसे सही। अभी यहाँ पे भी हल्का सा कीजिएगा, ऐसे मन शार्प रहती है। मुझे कितना अच्छा लगने लगा है आगे से, देखिए कितना अच्छा लगने लगा। आगे थोड़ी सी हाइलाइट्स रह गई थी मेरी डॉट्स की, वो भी फिनिश कर देता हूँ अभी। क्या आपको भी देखने में अच्छा लगे? और ये डन हो गया हमारा डॉट्स एंड बर्निंग। सो इतना ही था, अगले टॉपिक में आप बताइए कमेंट करके कौन सा टॉपिक लेके आऊँ आगे, कौन सा आगे अपडेट्स में रहना मेरे साथ टच पे और सुनील के साथ। ओके, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। सो हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।